स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक बूम चैनल में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये आज हमारे पास जो बोर्ड आया हुआ है, ये हमारे पास सैमसंग का है, सैमसंग का टॉप लोड का, ये वोबल के नाम से ये फेमस है ये मॉडल। तो आप लोगों को मैं दिखा पा रहा हूँ कि जो पन्नी के अंदर पैक है ये मैं खोल नहीं सकता, क्योंकि ये कंपनी से मैंने डायरेक्ट मंगाया है। तो इसके जो मंगाने का कारण था कि इसके अंदर स्टार्ट बटन का इशू था। जब मैकेनिक ने उतारा था कस्टमर के घर से, तो इसका स्टार्ट बटन ट्रुन ट्रुन तो करता था बट कोई कमांड नहीं लेता था। तो इसके अंदर ये फॉल्ट कॉमन फॉल्ट है दोस्तों, ये आपको हर पीसीबी में लगभग 99% फॉल्ट मिलेगा इस मॉडल के अंदर। आपके पास अगर आता है तो हो सकता है कि उसके अंदर यही फॉल्ट हो। ये फॉल्ट बहुत कॉमन आता है इसके अंदर, ज़्यादा फॉल्ट यही आता है। तो हमने सोचा इसके अंदर वीडियो बना दें, इसके लिए हम एक वीडियो बनाएं। तो दोस्तों ये पहले मैकेनिक किसी और के पास ले गया था, तो उसका माइक्रो कंट्रोलर उड़ चुका था। वो उड़ने का कारण क्या था कि यहाँ से इसके अंदर वोल्टेज आती है, ये इसका 220 पॉइंट है मतलब मेन लाइन, और यहाँ से 12 ग्राउंड और 5 वोल्ट ये आउट करता है। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये जो 12-5 और ग्राउंड आउट करता है, वो इधर से जैक इसका इधर लग के इसके अंदर से आता है। मैं आपको वायरिंग भी दिखा देता हूँ एक बार, हमारे पास इसकी वायरिंग भी है दोस्तों। तो ये जो इसकी वायरिंग है ये रही, इसकी वायरिंग दोस्तों ये रही। हमने वायरिंग भी मंगाई है, वायरिंग भी हमारे पास वायरिंग भी नहीं थी, तो हमने सोचा पीसीबी के साथ वायरिंग भी मंगवा लेते हैं तो हमारा दोनों काम हो जाएगा। तो दोस्तों 220 वाला पॉइंट इसका ये रहा मेन इनपुट, और ये 3 पिन का जैक 12-5 ग्राउंड का, और ये बार 3 सेम टू सेम जैक है। तो ये पिन इस जैक में लग जाता है और इधर से 12-5 आउट उसके इसमें आ जाती है। तो दोस्तों जिस मैकेनिक के पास ये पहले गया था दूसरा बोर्ड है, वो खराब हुआ, माइक्रो कंट्रोलर उसका उड़ चुका है। तो उड़ने का कारण ये था कि इसने 12 वाले में 5 दे दिया, 5 वाले में 12 दे दिया था। तो मेरे पास आया था तो कस्टमर को उसने फिर बताया, मैंने बताया कि भाई माइक्रो कंट्रोलर उड़ गया, आपको दूसरा परचेज करना पड़ेगा। तो कस्टमर ने बोला कि आप दूसरा बोर्ड ले आइए और वो बोर्ड अपने पास रख लीजिए। उसकी वजह से मैं उस पर वीडियो बना नहीं पाया, बनाता ही क्या उसके ऊपर, वो तो माइक्रो कंट्रोलर वैसे ही उड़ा। तो उड़ने के बाद मैंने ये बोर्ड मंगाया है, तो इसके अंदर जो इशू आता है वो स्टार्ट बटन का इशू आता है। तो हमारा आज का टॉपिक जो था वो स्टार्ट बटन का था, कि वो कैसे काम करता है, कॉमन फॉल्ट है, कैसे काम करता है, वो कैसे प्रॉब्लम उसकी सॉर्ट आउट होगी। तो दोस्तों ये अभी हम दूसरा बोर्ड हमारे पास ख़राब पड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा कंडीशन बहुत ख़राब है इसकी, तो ये पीछे से हटा हुआ था इसलिए हमने सोचा इसको अगर वीडियो बना के आपको बताते हैं कि जो इसका स्टार्ट बटन है वो कैसे काम करता है। दोस्तों ये आपको मैंने दिखाया कि ये दो सेक्शन के अंदर बोर्ड है, एक सेक्शन ये रहा इसकी, ये पावर सप्लाई है और इसके अंदर कोई पावर सप्लाई नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ट्रैक लगे हैं उसके ऊपर भी आप फेस या न्यूट्रल देना पड़ेगा, जो जब तक ये ट्रैक जब भी एक्टिवेट होंगे। तो वो जो फेस और न्यूट्रल जाता है वो इस जैक के थ्रू जाता है, ये जैक है। तो यहाँ से 220 का जो पॉइंट है वो इससे इस जैक में जुड़ा होता है, इस वाले जैक में, ये वाला पॉइंट इस वाले जैक में जुड़ा होता है। ये आप देख पा रहे होंगे कि जो ये जैक है इस पॉइंट में जुड़ा होता है, तो वो जैक इसके अंदर जुड़ने के कारण उसमें जब 220 आ रही हो तो इसमें भी आ रही होती है। तो इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर को भी 0 क्रॉसिंग डेटा करनी पड़ती है। तो वो कैसे करेगा, और जो स्टार्ट बटन का फॉल्ट है वो 0 क्रॉसिंग से रिलेटेड है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे काम करता है इसके अंदर 0 क्रॉसिंग, और क्या क्या चेक करना है अगर स्टार्ट बटन प्रॉब्लम कर रहा हो। तो सबसे पहले हमको दोस्तों इसके अंदर और इसके अंदर 220 चेक करनी है इस वाले पिन में। आपको मैं ये जैक निकाल देता हूँ, ये जैक, ये दोनों पिन है, ये 3 पिन है, इन दोनों में 220 आती है और एक पिन इस रिले की इससे जुड़ी हुई है, जब ये आउट कर देती है, जब ये ऑन हो जाती है। तो हम पीछे से देखेंगे, एक बार पीछे से देखने की कोशिश करेंगे कि ये कॉइल है इसकी, ये वाली कॉइल है, और यहाँ भी एक जैक होता है दोस्तों उसके अंदर है, जो कि ये तो पुराना बहुत ख़राब मॉडल है, मतलब ख़राब बोर्ड है, तो इसके अंदर सब हट गया है वो बोर्ड जैक। तो दोस्तों इसके अंदर 220 आती है, तो एक न्यूट्रल सबके सब ट्रैकों पे चला जाता है। और लाइन दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ से होके, यहाँ से इस डायोड से होके इस कपलर पे आ जाता है,
तो अभी हम इसको एक तो कैसे काम करता है वो बताएंगे आपको डायग्राम के थ्रू। ये हमारे पास नोट कॉपी है। तो दोस्तों ये इसका मैं डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इन दोनों तीन पिन का जैक है, तो इसमें 220 आ जाती है न्यूट्रल और लाइन। वो आपका सीधा आता है न्यूट्रल, आपको मैं एक कपलर की पिन है, ये समझ लीजिए कपलर है 817, और इसके अंदर 816 का वाला लगा होता है दोनों में, और चाहे तो 817 भी लगा सकते हैं अगर ख़राब हो तो। बट मैं आपको बता दूं कि कपलर तो ख़राब होते नहीं, जल्दी बहुत कम ख़राब होते हैं। ये न्यूट्रल आया, ये लाइन आया, तो जो लाइन आती है इसके पास वो आप देख पा रहे हो कि यहाँ से लाइन आई और एक डायोड लगा दिया, और डायोड लगा के डीसी बना देते हैं, और डीसी बनाने के बाद कपलर के एक नंबर पिन पे ले चुके हैं। ये आप लोगों को मैं ट्रेसिंग करके दिखा देता हूँ। ये हमारा कंटिन्यूटी बोर्ड पे सबसे पहले लगाते हैं मीटर को अपने, और तो ये न्यूट्रल आया इसके ऊपर कपलर के ऊपर, और फिर ये डीसी है, सॉरी लाइन आएगी। यहाँ से डीसी बनने के बाद कपलर के एक नंबर पिन पे आ चुका है, आप लोग देख पा रहे हो, थोड़ा दिख नहीं पा रहा होगा, हो सकता है ये कपलर का एक नंबर पिन है इस तरफ, इस तरफ एक नंबर पिन है, तो ये डीसी यहाँ से डायरेक्ट आके कपलर के एक नंबर पे। तो अभी हम इस कपलर को भी एक नंबर पहुँचा देते हैं, ठीक है। अब जो दो नंबर की कपलर को न्यूट्रल लाइन दोनों मतलब सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए इसको, जब ये कपलर ऑपरेट होएगा। तो दोस्तों ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक नंबर पे आ गई है, जो नेगेटिव आएगी वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि एक रेजिस्टेंस है, और जो दो नंबर पिन है वो रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस है वो 100K की है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। आप लोगों को दिख पा रहा होगा कि 100K की रेजिस्टेंस है, आप देख पा रहे होंगे 97-98 किलो ओम शो कर रही है मीटर के अंदर। तो फिर ये सीधा लाइन से जुड़ जाती है, तो ये देख पा रहे होंगे कि आपकी लाइन से जुड़ रही है। ये शायद बोल नहीं रही है इसलिए क्योंकि ये थोड़ी ब्रेक हो चुकी है बीच में, तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा ये प्रिंट, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से जाने के बाद यहाँ से यहाँ जा रहा है और ये लाइन से जुड़ जा रही है, देख पा रहे होंगे आप। तो ये एक दूसरी पिन आपको मैंने बताया था कि ये लाइन है, लाइन से यहाँ डायोड लगा और एक नंबर पे आ गया, और जो दूसरा न्यूट्रल आ रहा है वो इसके 100K की रेजिस्टेंस पे आ रहा है, लाइन न्यूट्रल 100K की रेजिस्टेंस से होके फिर कपलर के दो नंबर पिन पे जा रहा है। तो ये जब इसके अंदर आपको मैंने बताया कि जो एसी करंट होता है वो एक टाइम में एसी एक टाइम में डीसी देता है, तो जिस टाइम के अंदर इसके कपलर जिस टाइम एसी लाइन में डीसी आ रहा होगा तो ये ऑपरेट नहीं होगा कपलर, जिस टाइम में एसी आ रहा होगा तो ये ऑपरेट हो जाएगा। एसी मतलब नेगेटिव, उसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव सर्कल होता है, तो जब पॉजिटिव सर्कल होगा तो ये ऑफ हो जाएगा, जब नेगेटिव सर्कल होगा तो ये ऑपरेट हो जाएगा। पॉजिटिव आपने यहाँ दे दिया इसके एक नंबर पे, अब इसको नेगेटिव चाहिए ऑपरेट होने के लिए, तो नेगेटिव जिस टाइम के अंदर न्यूट्रल लाइन के अंदर नेगेटिव होएगा तो ये ऑपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको जो जीरो क्रॉसिंग इसकी डिटेक्ट करी जाती है, इसको इसके यहाँ से पल से माइक्रो कंट्रोलर को भेज दी जाती है, भेजने के बाद इसको पता चल जाता है कि मेरी जीरो क्रॉसिंग हो रही है और मुझे स्टार्ट करने के लिए कमांड देना है। तो सारा जो स्टार्ट बटन का कनेक्शन है सारा इस जीरो क्रॉसिंग के थ्रू से है। तो दोस्तों आप लोगों को आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जीरो क्रॉसिंग मैंने आपको बताया, और इसका स्टार्ट बटन का वोल्टेज से रिलेटेड होता है ये भी बताया, और ये जो रेस्टिंग लगी है ये दोस्तों इसके अंदर दो ट्रैक थे, और एक ट्रैक तीसरा ट्रैक ये रहा, और दो ट्रैक आपके इसके ये रहे मोटर के, दो इनलेट वाल्व के हैं और दो एक सॉरी ड्रेन पंप का, ड्रेन मोटर का सॉरी। तो आप लोगों को ये आप हो सकता है कि आपको जिस जीरो क्रॉसिंग के से रिलेटेड कोई इशू नहीं आएगा, सभी मॉडलों के अंदर जीरो क्रॉसिंग इसी तरह से डिटेक्ट करी जाती है, किसी के अंदर हाफ ब्रिज बना के डिटेक्ट करी जाती है ट्रांजिस्टर के थ्रू, किसी के अंदर इस कपलर के थ्रू करी जाती है। आप अक्सर केस में एसी के केस में पाएंगे कि कपलर के थ्रू नहीं होके ट्रांजिस्टर के थ्रू होती है एसी के बोर्डों में, और जो वॉशिंग मशीन के बोर्ड हैं आप अक्सर कपलर के थ्रू जीरो क्रॉसिंग डिटेक्ट करने की ये सर्किट पाएंगे, कि ये वाला सर्किट आपको अक्सर मिलेगा वॉशिंग मशीन के अंदर। तो आपको मैंने बता दिया कि जो उसका स्टार्ट बटन से रिलेटेड फॉल्ट है वो जीरो क्रॉसिंग का है, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्ट नहीं हो पाती, और आपको अक्सर कुछ ख़राब नहीं मिलेगा इसके अंदर। मैं आपको ये भी बता दूँ कुछ भी ख़राब नहीं मिलेगा। आप हो सकता है कि ये वाला प्रिंट ब्रेक हो जाए या प्रिंट देखने बजाय
तो ये हो अक्सर केसों में हमारे में आता है कि एक प्रिंट ब्रेक हो जाता है। दूसरा कि इस एरिया को आप काटना है और काट जितनी गम है हटा देनी है। हर हटाने के बाद कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे इस कैपेसिटर की वैल्यू शिफ्ट हो जाती है। तो जब शिफ्ट होने की वजह से फिर ये मिसबिहेव करने लग जाता है, तो इसको पूरी वोल्टेज मिलती नहीं है तो ये एक्टिवेट नहीं हो पाता, क्योंकि ये लीक हो जाता है। आधी वोल्टेज की इधर से आ रही होती है, आधी वोल्टेज की इधर से आ रही होती है, तो लीक होने की वजह से ये ऑपरेट नहीं हो पाता। तो पता नहीं होता, सबसे पहले आप इस प्रिंट को चेक करें, दूसरा आप गम को हटाएं, और तीसरा कैपेसिटर को हटा ही दें यहाँ से। हटाने के बाद आपका 100% ना चले तो आपने कपलर को चेंज करना है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि यहाँ पे एक 100K की रेजिस्टेंस लगी है, उससे गुजर के 2 नंबर पे आ जाता है। इस तरीके से इसका 0% काम करता है, और यही सर्किट आपको हर वॉशिंग मशीन के कार्ड में पाएगा। आप कोई भी कार्ड उठा लीजिए वॉशिंग मशीन का, सब में यही तरीका है। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, ये बहुत काम का आपके लिए वीडियो है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज हो, और आप चाहें तो इसको खुद भी रिपेयर कर सकते हैं घर बैठे। कुछ नहीं है आपके पास, अगर घर में सामान काटने वाला चाकू हो उसको आयरन पे गर्म करके उसको काट के गम को हटा के, और यहाँ 10 रुपये की गम आती है उसको मेल्ट करके यहाँ डाल दे। सामान सब कुछ चेक करने के बाद 1-2 रुपये का ये आइटम है, ये कोई हटाए लगाए या ना लगाए कोई इशू नहीं है, और 1-1.5 रुपये का ये भी आइटम है। तो उसको मार्केट से परचेज करके आप खुद भी रिपेयर कर सकते हैं, तो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कॉमन फॉल्ट है, बहुत लोग इससे परेशान रहते हैं। बहुत लोगों को इसके रिगार्डिंग जो PCB रिपेयरिंग करते हैं उनको इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि किसे रिगार्डिंग ये फॉल्ट है, तो वो फंसे रहते हैं स्टार्ट बटन को चेंज करने में या LED को चेंज करने में। तो आप उनको भी वीडियो दिखाएं कि इस तरीके से ये फॉल्ट है, उसको फटाफट क्लियर हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को बहुत अच्छी वीडियो अच्छी लगी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आप लोग शेयर करेंगे। धन्यवाद।